हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर कटरा शहर बसा हुआ है। जो यात्री वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके लिए कटरा आधार शिविर होता है। यहाँ का एक ऐसा ही धार्मिक पर्यटन स्थल है नवदुर्गा मंदिर, जिसे नौ देवी मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में एक प्राकृतिक गुफा में प्राकृतिक रूप से निर्मित पिंडियों के स्वरूप में माँ अपने नौ रूपों में विराजमान है। कटरा से नवदुर्गा मंदिर जाने के लिए आपको पब्लिक बस या प्राइवेट टैक्सी मिल जाती है। कटरा से नवदुर्गा मंदिर लगभग 10 किलोमीटर दूर है। प्राकृतिक रास्तों से गुजरते हुए आप कब नवदुर्गा मंदिर पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़े होकर देखने से ढेर सारी सीढ़ियां पहाड़ी की तलहटी की तरफ नीचे जाती हुई दिखाई देती हैं। वर्षा और धूप से बचने के लिए सीढ़ियों को शेड द्वारा ढका गया है। सीढ़ियों पर पूजन सामग्रियां, माता की चुनरियां, फूल प्रसाद सहित अन्य वस्तुओं की दुकानें मिलती हैं। यात्रियों को सीढ़ियों से उतरकर नीचे स्थित एक गुफा में माता के दर्शन के लिए जाना होता है। गुफा के द्वार को बाहर से किसी मंदिर के द्वार की तरह ही बनाया गया है, जिसके कारण दूर से देखने पर ये किसी साधारण मंदिर की तरह ही दिखाई देता है। लेकिन गुफा के भीतर किसी भी प्रकार का आधुनिक निर्माण नहीं किया गया है, ये भीतर से पूरी तरह प्राकृतिक है। गुफा का प्रवेश मार्ग इतना संकरा है कि इसमें झुककर या बैठकर ही भीतर घुसना पड़ता है। ये गुफा ही इस मंदिर का गर्भगृह है, जहां माता नौ पिंडियों के स्वरूप में एक ही स्थान पर विराजमान है। जी, माता रानी ने नेचुरल दर्शन है, बनावटी कुछ नहीं बनाया हुआ, सामने नौ देवियों के दर्शन है। जब माता रानी ने किसी को दर्शन दिए हैं, जो भक्त ने ना जा सकता है अलग अलग जगह दर्शन करने, इधर इकट्ठे दर्शन कर सकता है। माता रानी के नौ देवियों के नौ रूप हैं एक ही साथ पिंडी रूप में। इसके अतिरिक्त गुफा के भीतर छोटे से संगमरमर के चबूतरे पर शेरवाहिनी माता की धातु की सुंदर सी सुनहरी प्रतिमा स्थापित की गई है। इनके साथ ही गणेश जी भी यहाँ विराजमान है। ये प्राचीन काल से दर्शन है यहाँ पर। जो भी आप दर्शन देखो, ये प्राकृतिक रूप में दर्शन है यहाँ पर। सर्वप्रथम जो गणपति जी का दर्शन है, नाग नागिन का जोड़े का दर्शन है, पीछे शेष नाग जी हैं, और जहाँ जो आरती है, आरती के आगे हम शिव जी की पिंडी है, भोले बाबा जी का दर्शन है, नंदी जी आगे बैठे हुए हैं, सांग में माता पार्वती है, ये हनुमान जी का दर्शन है। जहाँ पर जो भी भक्त आते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर के बाहर लगे हुए बोर्ड से हमें मंदिर से संबंधित कथा का ज्ञान होता है। बोर्ड के अनुसार प्राचीन काल में एक बार माता वैष्णो देवी ने अपनी अन्य सभी आठ बहनों, नैना देवी, चिंतपूर्णी देवी, ज्वाला जी, ब्रजेश्वरी देवी, चामुंडा देवी, मनसा देवी, शाकुंभरी देवी, कालिका देवी का आह्वान किया। सभी देवियों के उपस्थित होने के बाद माता बोली, हम सभी एक दूसरे से दूर दूर और अलग अलग स्थानों पर विराजमान हैं, जिसके कारण हमारे भक्तों को हमारे दर्शन करने में कष्ट होता है। बीमार भक्त अस्वस्थता के कारण तथा गरीब भक्त आर्थिक कारणों से हमारे तीर्थ तक आकर हमारे दर्शन नहीं कर पाते। हमें अपने अंश के साथ अपने भक्तों के लिए यहाँ एक ही स्थान पर नौ पिंडियों के रूप में विराजमान हो जाना चाहिए। माँ वैष्णो देवी के इस कथन को सभी बहनों ने स्वीकार कर लिया और सभी देवियाँ यहाँ एक गुफा में नौ पिंडियों के रूप में विराजमान हो गई। यहाँ माता रानी नौ देवियाँ स्थान पर जो भी आता है, हर भगत की जो भी जहाँ आस उम्मीद से आता है, हर भगत की मनोकामना पूरी करती है माता रानी। और हम माता से यही प्रार्थना करते हैं, जो भी यात्री, जो भी भगत जन जहाँ आए, और उनकी मनोकामना पूर्ण हो और सुख शांति प्रदान करें, और सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। भक्तों, कटरा में आप नवदुर्गा मंदिर के साथ साथ माँ वैष्णो देवी के दर्शन तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा भी आपके आकर्षण के लिए अनेक स्थल हैं, जैसे बाग ए बहु पार्क, मानसर झील, शालीमार पार्क, अमर महल, भूमिका मंदिर इत्यादि। कटरा में आप जिस ओर भी नजर उठाएंगे, प्राकृतिक दृश्य आपकी आंखों को अलौकिक सुकून प्रदान करेंगे। इसके अलावा यहाँ ऐसे अनेक साहसिक खेल जैसे कैंपिंग, ट्रैकिंग,
रिवर राफ्टिंग आदि की सुविधा उपलब्ध है, जो आपको रोमांच की अनुभूति करा सकते हैं। यदि आप हवाई मार्ग से कटरा आना चाहते हैं, तो जम्मू का हवाई अड्डा यहाँ से मात्र 50 किलोमीटर दूर है, जहाँ तक देश के किसी भी शहर से हवाई यात्रा करके जम्मू पहुँच सकते हैं और फिर हवाई अड्डे से कटरा मंदिर के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त रेल मार्ग द्वारा कटरा पहुँचने के लिए 2014 के बाद से कटरा के लिए रेल मार्ग भी शुरू हो चुका है। यद्यपि अभी भी अधिकांश ट्रेनें केवल जम्मू तक ही आती हैं, जहां से आप कटरा के लिए टैक्सी ले सकते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग द्वारा जम्मू कटरा पहुंचना चाहते हैं, तो जम्मू देश के सभी मुख्य सड़क मार्गों द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है, अतः आप सरकारी या निजी वाहन का प्रयोग कर आसानी से सड़क मार्ग द्वारा कटरा स्थित नौ दुर्गा मंदिर तक पहुँच सकते हैं और माता के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप भी माता के सभी रूपों के दर्शन और माता की अंश स्वरूप साक्षात पिंडियों की अर्चना करके माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो शीघ्र ही अपनी नवदुर्गा मंदिर कटरा की यात्रा का शुभारंभ करें और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें। शीघ्र ही आपसे एक और नए धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय माता दी। इति शुभम।